प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका का अर्थ परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति की अर्थ परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भूमिका पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। परिस्थिति किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय स्थान एवं संस्था विशेष के अंतर्गत जो पद स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है सामान्यतः उससे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति जो कार्य करता है वह सामान्यतः उसकी भूमिका के नाम से जानी जाती है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील व्यावहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका कहलाती है। जैसे राष्ट्रपति का पद परिस्थिति एवं उस पद के अनुरूप कार्य भूमिका है। साधारणतः भूमिका का अर्थ सिनेमा या नाटक में व्यक्ति की नकल से लेते हैं। हम कहते हैं कि किसी नाटक में अमुक व्यक्ति ने राम की या रावण की भूमिका अच्छी अदा की है। परंतु समाजशास्त्र में भूमिका से तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वहन से लगाया जाता है। जैसे प्राचार्य का पद एवं उसकी भूमिका आदि।